दोस्तों, गुस्सा हम सबको आता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हमें गुस्सा कभी नहीं आता। हम अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में उन्हीं चीजों और उन्हीं लोगों पर गुस्सा करते हैं जिन पर हमारा जोर चल सकता है। जिन लोगों पर, जिन चीजों पर, जिन सिचुएशंस में हमारा जोर नहीं चलता, हमें वहां गुस्सा भी नहीं आता। हालांकि दिल तो बहुत करता है और ऐसे हालातों में अक्सर लोग दीवारों पर पंच मारते हैं। एंड आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी गुस्से में सही, मजाक में सही या फिर गलती से ही सही किसी ना किसी वॉल पर पंच जरूर मारा होगा। चलो इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ग्रीटिंग्स धरतीवासियों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं फैक्टामाइट, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि दीवार पर पंच मारने के बाद आपके हाथ का हाल क्या होता है या ये कंडीशन कितनी बुरी हो सकती है। तो घूसों मुक्कों से भरी हुई ये वीडियो पेश है आपके सामने अब। दोस्तों, जैसे ही आप किसी वॉल पर या किसी ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस जैसे इंसान के ऊपर पंच करते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, आपके हाथ की हो जाती है। अब ये क्या हो जाती है ये आप खुद समझ सकते हैं। पर अगर आपने अपना हाथ होश की बजाय जोश में उठाया है तो 90% केसेस में बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। हमारे हाथ का सबसे कमजोर हिस्सा, हमारी सबसे छोटी उंगली, जिसको पिंकी फिंगर भी बोलते हैं। मोगे वाली पिंकी? हाँ यार, मोगे वाली पिंकी, फिर क्यों है मैं दस्ता? वो नहीं पिंकी फिंगर बोलते हैं, बाहर निकल आओ इन चीजों से। एनीवे, अगर आपने रियलिस्टिक असली बॉक्सिंग मैचेस देखे हैं, नॉट ये WWE, अगर आपने असली बॉक्सिंग मैचेस देखे हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि पंच करने की एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है। इसी तरह की स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज करके बॉक्सर्स अपने एनिमीज को, अपने अपोनेंट्स को पंच करते हैं, जिनसे बॉक्सर के अपने हाथों को बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है। पर अगर पंच की डायरेक्शन गलत हो, उसका एंगल सही ना हो या गलत तरीके से पंच किया गया हो तो सीधा नुकसान पिंकी फिंगर पर होता है। गलत तरीके से किया गया पंच अक्सर पिंकी फिंगर की मेटाकार्पल बोन को चोट पहुंचा देता है, जिससे हो सकता है कई हफ्तों तक तेज दर्द और उंगलियों की मूवमेंट में परेशानी। और इस कंडीशन को कहा जाता है द बॉक्सर्स फ्रैक्चर। बॉक्सर्स फ्रैक्चर से उंगलियां डिफॉर्म हो सकती हैं और इन फ्यूचर हाथ की मूवमेंट भी अफेक्ट हो सकती है। तो इन फ्यूचर अगर आपने किसी वॉल पर या किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को पंच किया हो और आपके अपने हाथ में दर्द शुरू हो जाए तो बिना देर किए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसके अलावा जब भी गुस्सा करने का मन करे तो पंच मारने की बजाय अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। बम फटा, धुआं उड़ेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार।